फ्रेंड्स, वेलकम टू एडवांस कला। दोस्तों, ये वेस्ट ब्लाउज पे ब्लाउज में से हम बहुत ही यूजफुल दो चीजें बनाने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं स्लीव्स को कट कर लूंगी इस तरीके से। देखिए, दोनों साइड से मैंने कट कर लिए। अब हमें इसे शेप देना है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से कट कर लूंगी और फिर स्क्वायर पीस कट करके हमें इसे शेप दे देना है। तो इसका नाप है 7x6 inches। अब वेस्ट शॉपिंग बैग को लेना है और इसी के नाप से हमें दो पार्ट कट कर लेने हैं और दोनों पार्ट को स्टिच करके जोड़ लेना है। स्टिच करके जोड़ने के बाद उसके ऊपर हम लेस को अटैच कर लेंगे। देखिए, इस तरीके से हमें लेस को इसी के नाप से कट करना है और बाद में स्टिच करके जोड़ लेना है। तो देखिए, दोनों पार्ट में हमने जोड़ लिया है। अब हम जिप को अटैच करेंगे, तो यहाँ पे स्टिच हो गया है। अब हम यहाँ पे फ्रेश स्टिच करेंगे। अब दूसरा पार्ट लेंगे, उसे ऐसे उल्टा रखना है और स्टिच करना है। स्टिच करने के बाद हम यहाँ पे फ्रेश स्टिच करेंगे। अब हमें ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिच करना है। अब नीचे की ओर हमें 1x1 inch का एक बॉक्स बनाना है और फिर कट कर लेना है कॉर्नर के पास से। तो देखिए, यहाँ पे हमारा बॉक्स हो गया है। अब हम इस तरीके से कट कर लेंगे और दूसरी साइड उसी की नाप से ऐसे रख के कट करना है। अब हम इसे ऐसे करेंगे, देखिए इस तरीके से, और स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद ये हमारा प्यारा सा वॉलेट रेडी हो गया है, जिसमें आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। ईयरफोन रख सकते हैं, चार्जर रख सकते हैं, और या फिर आप रेडी होने का छोटा मोटा सामान भी रख सकते हैं। अब हमें ब्लाउज का जो साइड का बचा हुआ कपड़ा है उसे लेना है और जहाँ पे फिटिंग होती है ना, वो हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद हमें दूसरी साइड का भी पार्ट कट करना है। और देखिए, यहाँ पे मैंने वेस्ट शॉपिंग बैग को उसी के नाप से कट किया है और इसका नाप है 6.5x4.5 inches। अब हम इसे स्टिच करके जोड़ लेंगे। स्टिच करके जोड़ने के बाद देखिए, मैंने यहाँ पे चौक से मार्क किया है और यहाँ पे चेक्स किए। उसके ऊपर मैंने अलग कलर के थ्रेड को यूज करके चेक्स कर लिए हैं। अब हम नीचे की ओर से राउंड शेप दे देंगे और फिर हमें क्या करना है, दूसरा पार्ट भी उसी के नाप से कट करना है। अब यहाँ पे हमें 1 inch का मार्क करके इसे कट लगाना है। अब इसी के नाप से हमें जिप को लेना है और सीधा स्टिच करना है। स्टिच करने के बाद हम यहाँ पे प्रेस स्टिच कर देंगे। प्रेस स्टिच करने के बाद दूसरा पार्ट ऊपर का जो है वो लेके स्टिच करेंगे। अब फिर से यहाँ पे प्रेस स्टिच करेंगे और इसी के नाप से ये वेस्ट शॉपिंग बैग का टुकड़ा कट करके इसे जोड़ के स्टिच कर लेंगे। अब फिर से हमें यहाँ पे जिप को लेना है, फिर यहाँ पे स्टिच करना है, स्टिच और उसके बाद प्रेस स्टिच। प्रेस स्टिच करने के बाद दूसरा पार्ट लेना है और यहाँ पे स्टिच कर लेना है। अब हम प्रेस स्टिच कर देंगे। प्रेस स्टिच हो गया है और यहाँ पे जिप के अंदर रनर को डाल देंगे। इसे ऐसे फोल्ड करके पूरे राउंड में स्टिच कर लेंगे। तो देखिए, ये छोटा सा हमारा वॉलेट रेडी हो गया। जो हमारे बड़े होते हैं, इसे ये बहुत ही यूजफुल लगता है। तो दोस्तों, आप भी अपने बड़े को ऐसे बना के दे सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा है तो लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।